बैक टू द न्यू व्लॉग। आज है शादी का दिन, शादी के दिन हमारी दुल्हन को देखो, ये देखो दुल्हन, कहीं से भी दुल्हन नहीं लग रही। खैर अभी रस्म करो। बहुत ही एक्साइटेड? हाँ, बहुत एक्साइटेड हूँ। आज फाइनली आजादी मिलेगी आपको 25-26 साल बाद। 25-26 तो ब्याह को नहीं हुए, 26 क्या बात है। ये नहीं, इसको मैडम से तोड़ लो। टूट तो गई भाई। ये हमारा वेन्यू, अभी हम लोग कुछ सामान है पूजा पाठ का, तो वो देने आए बीचे बाड़ा, मौज मस्ती कर रहे हैं। ये वेन्यू देख लेते हैं, चेकिंग कर रही है, यहाँ पे सामान पहुँचाना था। इसके बाद हम लोग जाएंगे घर। घर में जितनी भी हमारी फैमिली की लेडीज हैं उनको पहले तो सलोन छोड़ के आना है, उनको रेडी होना है, मेकअप वेकअप इन सबका, उसी में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। उसके बाद हम लोग रेडी होंगे रात को सीधा फिर अपना शादी में। भाई ये ऐसा कुछ वेन्यू, हाँ हाँ ये एंट्रेंस है, नो ये फोटो खिंचाने का सिस्टम होएगा रात को, अभी देख लो। इसके बाद आफ्टर का वो डालूंगा ना तो तुम लोगों को पता लग जाएगा। भाई वेन्यू तो अच्छा है, ये नो डाउट वेन्यू बहुत बढ़िया है। खाने का आइटम कितने हमने टोटल 120-130 भाई देख रहे हो रिचनेस, 120-130 आइटम रखवा रखे हैं खाने के। तो ये मेन स्टेज है, ये इधर हम बैठेंगे, वीआईपी एरिया है ये। और बाकी अर्चित सर भी तो आएंगे रात को, उनको फोन करके याद दिलाना है कि अर्चित सर को आना है। बाकी भाई ये वेन्यू है पूरा, आप लोग भी देख लो, रात को इसकी वाइब अलग होगी, हम लोग भी अलग होंगे बिल्कुल। चमकते हुए घूम रहे हैं अभी तो, काम करते घूम रहे हैं, चमक रात को चमकेंगे, उसके बाद आएगा मजा। तो यहाँ पे भी खा फेशियल कराने भाई, तू कराइए भाई, मैं तो वैसे ही बढ़िया हूँ। गाइस जैसे कि तुम लोग देख सकते हो तुम्हारा भाई रेडी है, वही अपने सूट पहना जो फेयरवेल पे पहना था अपना, मस्त वही पहनेंगे क्योंकि हम फालतू के खर्चे करने है ना। बाकी रेडी होके ये रहा मेरा खोट, कमरा बहुत ही फैला हुआ है। अब सीधा हम जा रहे हैं वेन्यू पे, पूर्व आएगा बाद में बाकी सबको लेके, तो मैं तो निकल रहा हूँ वहाँ पे जाके देखना है खाना वाना कैसा है। मेन मकसद तो वही है खाना वाना खाने का, तो फटाफट से निकलता हूँ मैं, कोट उठा के चश्मा पहन के। अर्चित सर को भी फ़ोन करना कि भाई टाइम से निकलो, टाइम से आ जाना। बाकी भाई चलो चलें, इंजॉय करेंगे, डांस वांस करेंगे, सब चीज़ करेंगे, आप लोगों को भी पूरा दिखाता हूँ कैसे क्या कुछ। जस्ट लुकिंग लाइक अ अच्छी लग रही यार, चल तू आज कहीं दूर रही है थोड़ा, है ना, वाइट शर्ट करा देनी चाहिए। तो तू अच्छी लग रही है, आखिरी दिन है तेरा। अच्छा, तो कैसा लग रहा है तेरे को? बहुत अच्छा। ओए गुल्लू आ जा, डॉल आ जा, एनाबेल एनाबेल लग रही है, एनाबेल आ जा, लहंगा तो उठाओ। हां चल चल, वाओ वाओ जीजू सच्चा जेंटलमैन, वाओ बुल्लू एक तो इतना बड़ा झोला के है यो। आगे आएगा कैसे? हल्की सी और सीट पीछे कर दो, एक बार पकड़ में कर दो सीट पीछे कर दो हल्की सी और। चुन्नी देखना, चुन्नी मेरी रंग ते ललालियां मेरी यार दी गड्डी दे नाल दी। भाई तुम्हारा भाई फाइनली आ गया है, ये आउटफिट पीछे माहौल देख लो। और कुछ जी जाहर की बारात वहां है, यहां से थोड़ी सी लेफ्ट में वो देखो, वो जी जा रहे हैं, ये रिबन है और सिस्टम है, बाकी सारा फोटो फाटो चल रहे हैं बस यहाँ पे। भाई बदमाश सर आ गए, जीजा जीजा को उतारने जा रहे हैं, ये करे जा गया है। डीजे से कितने पैसे मांगने हैं? पता नहीं, अभी 1,00,000 रुपए लग तो नहीं रहा है कि डीजे 1,00,000 रुपए देगा हमको। ले भाई एक और क्या बात है, ले भाई भिगा दे भिगा दे भिगा दे भिगा दे भाई, डॉलर कर दो इसमें भाई, इसमें डॉलर कर दो। तुमने कैसी दे दी क्या? ये तो सस्ते में निपट गई, हम ना बना रहे लोग 5,500 रुपए में निपट गए यार ये लोग। हाथ पैर ना चल रहे लगे लगे हाथ पैर ना चल रहे, भूल गए हाथ पैर भूल गए, पैसा देख के लगता। भैया हटाओ इसके, भाई ये पूजा हो रही है,
घर के जितने भी बड़े बुजुर्ग इम्पोर्टेंट पीपल है सब यहाँ पे है, पूजा संपन्न कराने के लिए। और इसके बाद अब सीधा गाने में डीजे पे डांस करेंगे। ले आए हैं और सीधा बस खाना खाने जा रहे हैं, यूं भी नहीं यूं पूछ भी ना रहे कि आ गए नहीं आ गए, फोन नहीं कर रहे, सिर्फ खाना खाने जा रहे हैं। क्या कह रहा भाई अपना नहीं है क्या क्या भाई भाई आया तू ये क्या पहन गया भाई हमारी एंट्री पे क्या बात हो गई, कुछ मैटर हो गया भाई? फिर तुम क्या खा रहे हो भाई? ये मत सिर्फ खा रहे हैं, जितनी स्टॉल है सारे खा चुके हैं, लास्ट है इधर सिर्फ गोलगप्पे बचे। सर हमारी है वर्कआउट करके आए अर्चित गाय लिटरली द गाय। तो तू एक मिनट, ये टेटा क्यों हुआ भाई? वो रहता है ये है लड़का सब में भाई, मेरे तो मैं तो नाच नाच के ऐसे हो गया भाई। अर्बन अर्बन लुक देख लो, इसका आउटफिट किसी से मिलता। फेरे है स्टार्टेड, ये रसम चल रही है, इसके बाद जाएंगे घर। इधर भाई का ब्लॉग बन रहा है, इधर मेरा ब्लॉग बन रहा है। Oh my God, कैमरा लेंस तो गंदा है। गाइस ये चल रहा है फेरा, और मैं एक फैक्ट बताना चाहूंगा जो कि मैंने मैंने पता लगाया कि जो फेरा होता है ना, दैट इज ऑफ 360 डिग्री। 360 डिग्री का एक फेरा होता है। अबे सुन, इसका लॉजिक सुन, 360 डिग्री का एक फेरा होता है, और ऐसे हम सात फेरे क्यों लेते हैं बता? क्योंकि 7 इज द ओनली नंबर जो 360 को डिवाइड नहीं कर पाता। तो अगर सात फेरे लेते हैं तो कभी मतलब ये होता है कि कपल अलग नहीं हो पाता। इतना ज्ञान नहीं है ना तेरे में, अपने धर्म से जुड़ो। एक्चुअल तुझे दिखना है ना व्लॉग में। अरे मैं तो हूँ, तुझे दिखना है हमारा, तुम भी बनो। क्या बात है मौसी, बड़ी चहक रही हो आप, आजाद क्या हो गई, खुश हो रही हो बहुत? कहां से देखा? वाओ, ये पानी
न्यूली मैरिड आर सिस्टर आर न्यू जीजा वाओ अरे जितना छेड़ेगा उतना फैलेगा ये नहीं फैला दे इसको वो बना दे फाउंडेशन कंगारू बना दे कंगारू इसको कंगारू बना दे वाओ जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ भाई देखो डोंट कॉल योरसेल्फ रिच इफ यू डोंट ओन दिस वन लो भाई मेरी तरफ से गिफ्ट है ना और मौज काटो कोई बात नहीं मैं बाहर जा रहा हूँ उदासी है बहुत ज्यादा उदास हूँ मैं।